नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रीड एक्सरे रिपोर्ट। देखिए, जब आपकी कंडीशन कई दिन से ठीक नहीं हो पाती है, खास करके जब आपको लगातार में खांसी रहती है, आपका सांस फूलता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर एक्सरे करवाते हैं। तो उसको जानने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक्सरे के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आपके सामने एक पिक लगाऊंगा डायरेक्टली, आप उसको देखिए और उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ का क्या मतलब है और इस रिपोर्ट में क्या आ रहा है जो आपके सामने लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सरे होता है हमारे चेस्ट का और ये एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, मतलब सामने से और पीछे से ये वाला व्यूज़ लिया गया है और ये सबसे परफेक्ट व्यूज़ होता है। बाकी लेटरली व्यूज़ भी ले सकते हैं कन्फर्मेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने जो रिपोर्ट लगी हुई है वो डिजिटल एक्सरे चेस्ट फॉर्मेट की लगी हुई है। एक बार क्या होता है कि हमारी खांसी में या हमारे बलगम में ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी हमें एक्सरे करवाना चाहिए क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। तो कई तरह की चीज़ों को डायग्नोसिस करने के लिए एक्सरे की रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरे की रिपोर्ट को कन्फर्म करने के लिए इसके बाद बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि हाँ, किसी बीमारी को कन्फर्म किया जा सके कि पेशेंट के अंदर ये बीमारी है। तो डायरेक्टली चलते हैं, ये चेस्ट है, चेस्ट एक्सरे है और पोस्टीरियर एंटीरियर व्यूज है जो कि मैंने आपको बताया, सामने पीछे और आगे से इसका व्यू है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोनी केज एंड सॉफ्ट टिश्यू इन व्यू अपीयर नॉर्मल। ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल है, जो कि बोनी केज है जो हमारी रिब्स हैं वो नॉर्मल है, जो आसपास के सॉफ्ट टिश्यू हैं जो हमारी मसल्स हैं वो नॉर्मल है। नंबर सेकंड लाइन इसमें बहुत सी पी एंगल्स पोजिशन एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ डोम्स नॉर्मल। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल है, अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और थर्ड है यहाँ पे कार्डियो मेडिस्टीनियल शेडो इज सेंट्रल एंड विद इन नॉर्मल लिमिट्स। तो ये भी सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। मेन चीज़ है एक्सरे की ये वाली जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इनफिल्ट्रेटिव लिजन नॉट राइट लंग। यहाँ पे सीधे लंग्स में कोई चीज़ उनको मिली है, जो कि इन्होंने लिखा हुआ कि वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन हुई पड़ी है, मतलब कोई वहाँ पे चीज़ इकट्ठी हुई पड़ी है, खासकर वो ब्लड की इकट्ठी होती है मोस्टली देखा जाता है। तो ये इसकी लोकेशन उन्होंने आगे बताई हुई है कहाँ पे ये लोकेट है। ये है अपर जोन ऑफ राइट हाइलर एक्सटेंशन। ये हमारा जो राइट लंग है, जो हमारा राइट फेफड़ा है, उसके अपर लोब पे ये वहाँ पे ये पोजिशन इसकी है। अदर लंग फील्ड्स अपीयर क्लियर विद नॉर्मल लंग मार्किंग्स। तो यहाँ पे और जो चीज़ें हैं, जो पैथोलॉजी है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। लास्ट लाइन दोस्तों एक्सरे में लिखी हुई है बोथ द हाइला अपीयर विद नॉर्मल लिमिट्स। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे नॉर्मल हैं। तो कुल मिला के एक्सरे के अंदर एक ही चीज़ डायग्नोसिस हुई है, जो कि है इनफिल्ट्रेशन, वो भी राइट लंग में है और उसकी इन्होंने पोजिशन बताई हुई है कि वो ऊपर की तरफ है, राइट लोब में। अब रिपोर्ट्स की जो मेन चीज़ होती हैं, और एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या फिर MRI सिटी स्कैन जो भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें लास्ट एक लाइन लिखी होती है इंप्रेशन, जो कि उसका कंक्लूजन होता है कि इस रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ है। तो इंप्रेशन में इस रिपोर्ट में इन्होंने लिखा हुआ है कोच्स लंग। इसका मीनिंग ये होता है कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स है, तो पेशेंट को TB है। ठीक है, अब इन्होंने इसको कन्फर्मेशन करने के लिए, कॉल रेट करने के लिए और अदर पैरामीटर्स के बारे में लिखा है टू बी क्लिनिकली कोरिलेट विद अदर पैरामीटर्स। तो इन्होंने यहाँ पे कन्फर्म किया है कि पेशेंट को कोच लंग है, बट आपको ये कन्फर्म करने के लिए, इसको रिलेट करने के लिए आपको और जांचेस करवानी होंगी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि कोच लंग है, पेशेंट को TB है, तो TB की और दूसरी जांचेस करवानी होंगी। जैसे कि आप इसमें मेंटॉक्स टेस्ट आप शायद जानते होंगे, वो किया जाता है उसको कन्फर्म करने के लिए, इंजेक्शन दिया जाता है, उसका साइज देखा जाता है कि वो कितना साइज बढ़ रहा है, वो एक तरह का टेस्ट होता है जो कि TB की जांच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है इसी के अंदर कि पेशेंट का स्पूटम लेके, उसका बलगम लेके जांच की जाती है कि पेशेंट को TB के बैक्टीरिया वहाँ पे शो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो TB है एक बैक्टीरिया की बीमारी है जो कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है और ये कई बार जो है जेनेटिकली भी चलती है। इसी का टीका सबसे पहले बचपन में दिया जाता है, जो कि BCG का टीका होता है। बच्चे को सबसे पहले BCG का टीका दिया जाता है, जिससे कि बच्चे को आने वाली लाइफ में उसको ट्यूबरक्लोसिस ना हो। तो डायग्नोसिस होने के बाद डॉक्टर को काफ़ी अच्छा आइडिया लगता है कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस 100% कन्फर्म हो गई है, तो अब इसको ये ट्रीटमेंट चलाना है। तो जनरली TB कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि क्योर ना हो, इनक्योरेबल डिजीज़ के अंडर नहीं आती है। आराम से आप डॉट्स का ट्रीटमेंट होता है, आप नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहाँ पे आप 6 महीने का ट्रीटमेंट, 9 महीने का ट्रीटमेंट और 12 महीने का ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, जो कि आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, 6 महीने वाली है, 9 महीने वाली, या फिर आपको 1 साल ट्रीटमेंट उसका लेना है। नॉर्मल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आजकल किस तरह के ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए हैं, और तो आप जो है सरकारी अस्पताल से भी जाके कन्फर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।